पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां पर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। बैठक में सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना पर भी मोहर लगाई गई है। इसके तहत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 6 से लेकर की कक्षा 10 तक छात्रवृत्ति की परीक्षा के बाद अंकों के प्रतिशत के आधार पर छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा। वहीं कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग ने एरो स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग के लिए नियमावली बनाई है, जिसके तहत शर्तें पूरी करके ही लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अगला मत जो है ये अग्निशमन से संबंधित है। उत्तराखंड में पीछे कुछ अग्नि की घटनाएं हुई और फिर कुछ जांचें भी हुई और ये भी महसूस किया गया कि इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो कुछ मानक तय किए गए हैं और विभिन्न शहरों में, जैसे प्लेन के बड़े शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं, इसी तरह पहाड़ के बड़े शहर भी हैं और छोटे शहर भी हैं, और 7 श्रेणियों में ये जो फायर ब्रिगेड की होंगे सेंटर, उनको 7 श्रेणियों में बांटा गया है।